अलवर में एसीबी की कार्रवाई, कनिष्ठ लिपिक कैलाश चंद्र यादव को ट्रैप किया। एसीबी ने 3,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया कर्मचारी। राज्य बीमा निगम कार्यालय में कार्रवाई, क्लेम पास करवाने की एवज में रिश्वत यहां पर मांगी गई थी। कनिष्ठ लिपिक कैलाश चंद्र यादव को ट्रैप किया गया है 3,000 रुपए की रिश्वत लेते। अलवर में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में ये कार्रवाई की गई। कनिष्ठ लिपिक को यहाँ से ट्रैप किया गया, क्लेम पास करवाने की एवज में रिश्वत यहां पर मांगी गई थी और 3,000 रुपए की रिश्वत लेते उसे ट्रैप किया गया। को परिवादी प्रताप सिंह ने एक एसीबी में एप्लीकेशन दी थी कि उसकी भाभी और वो एमआईए स्थित किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और उसकी भाभी के 184 दिन का प्रस्तुत अवकाश लिया था, जिसके लिए उसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम में दावा पेश किया था 184 दिन के लिए, और वो कई दिन से चक्कर लगा रहा है और वहाँ बाबू है कैलाश चंद यादव जो उसको डील करता है वो उसको दावा पास नहीं करने दे रहा है, जिस पर हमने 28 तारीख को वेरिफिकेशन करवाया। वेरिफिकेशन के अंदर जो कैलाश चंद यादव बाबू है उसके द्वारा 60,000 रुपये का क्लेम पास करने के एवज में 5,000 रुपये रिश्वत की मांग करना पाया गया और 2,000 रुपये रिश्वत के उसने उसी टाइम ले लिया और 3,000 रुपये रिश्वत के लेकर नेक्स्ट वीक बुलाया था, इसी वीक बुलाया था, जिस पर आज परिवादी 3,000 रुपये रिश्वत लेकर इस ऑफिस में आया था और बाबू ने 3,000 रुपये रिश्वत के लेकर अपनी जेब में रख लिए और जिसे हमने बरामद कर लिया है और ट्रेप कार्रवाई जारी है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा अलवर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या ये पूरा मामला रहा, किस प्रकार से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? बताना चाहूंगा मनीषा की एसीबी की ओर से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कार्यालय है यहाँ पर कनिष्ठ लिपिक है कैलाश चंद यादव, जिन पर आरोप लगा था कि क्लेम की जो राशि है 60,000 रुपए की उसको पास करने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत कनिष्ठ लिपिक कैलाश यादव द्वारा मांगी जा रही है। एमआईए में एक कंपनी में काम करते हैं प्रताप सिंह, जो इस केस के परिवादी बने, इन्होंने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया और उस सत्यापन के बाद आज कार्रवाई करते हुए परिवादी की ओर से पहले 2,000 रुपए दिए गए थे कनिष्ठ लिपिक को, उसके बाद आज 3,000 रुपए की राशि देते हुए एसीबी ने उनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी की टीम की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय में कार्रवाई की जा रही है और ये एसीबी के डीएसपी सलीम मोहम्मद ने पुष्टि की है कि ये कार्रवाई हो चुकी है और उनको ट्रैप के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मनीषा, चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें 3,000 रुपए की रिश्वत लेते यहाँ से कनिष्ठ लिपिक को गिरफ्तार किया गया, ट्रैप उसे किया गया।